ये जरा हमारे 300 साल से हमारी जगह 300 साल 300 साल से हम यहाँ पे आ रहे हैं। उस पीड़ित लाइन टूटी को जेडी लाइन आप यहाँ पे आपने जेडी लाइन अपने ये कोई मजदूर आदमी गरीब आदमी कोई एक कमरा उठाता है आप दौड़ जाते हो जब बनाता है उसको उस टाइम रोको ना क्यों लोग क्या अगर मुंह से कोई बात निकलेगी फिर कहना ये बात आ गई। मुझे ये बताओ आप अंधेर कर दी डाली है आपके डिपार्टमेंट ने क्लियर है भैया बल्ली नहीं निकाला बल्ली नहीं निकाला ये सब छोड़िए मैं क्या हूँ मैं भी एक आपका साथ जाऊँ आप अगर आप मेरे जैसे बल्ले नहीं निकालना कोई बल्ले आप अभी बता रहे हैं कि नहीं जी स्टे है या मतलब जो है मैंने फोन किए थे आपने ये कहा ना कोरोना के दौरान तहसीलदार साहब मैंने आपको 3 दफा कहा नोटिस ठीक देखिए पार्टी की मान की जमीन थी दूसरी पार्टी का कब्जा करवा दिया यदि मान की जमीन है किसकी फादर साहब उसका आर्मी से रिटायर मेजर है सर उसका मतलब ये नहीं है कोई जेल खिलाफ जी अफसर वगैरह नहीं होते उनके ऊपर वो क्या कर रहे हैं निकालिए मेरे ख्याल में एनरोलमेंट करवाने वाला कौन है आप पार्ट बॉय नहीं आज तक खड़ा है लगे लेकिन तरीका नहीं है सर कहीं तोड़ फोड़ करनी है वो जेडीए की जगह मार्की बना रहे अपने लोग प्लांट लगाते हैं चढ़ाई करते हैं आप नोटिस देते नोटिस इसको नोटिस दिया क्यों नहीं दिया सर नोटिस बनाए क्या बात करते हो आप ठीक कर लेंगे हम आपके साथ आपकी गलती मानो भाई आपके डिपार्टमेंट कहीं तो कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन तुसी मेरी नहीं हम आपके साथ हमारे गरीब लोग हम यार परेशानी है अगर और क्या सिर्फ मैप अप्रूवल की परेशानी है ना किसकी मैप अप्रूवल की परेशानी जब ये लोग प्लंथ लगाते हैं लड़ाई करते हैं आपका जो लड़ाई है ये मारे इन्हें कुछ दिन भाई यान आप इंतजार करते हो लैंडर कब डलना है सर ठीक है मेरी बात फिर उनको हरासमेंट करेंगे और क्या आप बोल गए ना अरे बोल गए आप हम मुझे जवाब देने का करो की करना है पहले भी तो सुना जल पैंसिल करते लिया रोक देनी है आप नहीं करते हैं भाई साहब कोई नोटिस नहीं करते हैं जहाँ पर आपकी मर्जी होगी बातचीत होगी वहाँ पर सब कुछ होगा जहाँ पर नहीं होगी उनको आप मान लिया ठीक है अब मुझे सर वो बंदे दिखाइए जो बात मैंने दिखाने हैं जो आपकी डिप्टी है आपका डिपार्टमेंट है आप यार शर्मा साहब इतने टिकट चूज करा रहे बंद प्रा गोलिया के सारे आगे जेडी है मैंने बना है यहाँ पे बताइए किस हम गवर्नर साहब को बोलेंगे जिसके अंदर जिस ऑफिसर को लगाया है वो अगर कोई इंक्रोचमेंट होती है इलीगल कोई काम होता है उनको टर्मिनेट करिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी जिम्मेदारी मैं सारे नहीं आर्डर दे रहा सदन में आर्डर दे रहा गवर्नमेंट का जेडिया कोई जेडिया कोई अधिकार नहीं है ना तोड़ने का ना नोटिस देना सदन में आर्डर अब आपके एरिए के अंदर आप तहसीलदार है मैजिस्ट्रेट है उस एरिए के अंदर कोई इलीगल काम होता है आप रिस्पॉन्सिबल है जमे भरे फिर आप क्यों ये नहीं है फिर कोई घर बना देगा दखल मेरा है मेरा मेरा मतलब ऐसा नहीं है, है।, है। ये आप दखल वाली कौन सी बात कर रहे हैं देखो सर हम भी सिस्टम को जानते हैं हम गवर्नमेंट का हिस्सा है ना हम सिस्टम आप सब लोग हमारे इस मसले में जिम्मेवार आदमी है युगलाबाजी में आप सब लोग अगर आपको लगता है ये जेडी के लड़ाई होनी चाहिए आप पूरा डिमोलिश कर दो गरीब लोगों पर होनी चाहिए आपको लगता है आप इसको तोड़ दो पहले शर्मा साहब पहले डिपार्टमेंट गुस्सा है तो लैंट्री पे सब कुछ हाँ उन लोगों को सुते होंगे डिपार्टमेंट थोड़ा ये सारा कुछ होइया प्लस्टर हो जाना कंप्लीट हो जानी भाई साहब मेरा नाम उम्मीद खजूरिया है भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर स्टेट का किसान मोर्चे का अध्यक्ष हूं। आज मैं इस रैपुर दमाणा विधानसभा क्षेत्र के अंदर प्रवास कर रहा था
और ये कंगर मोड़ है जहां पर एक जेडीए की टीम निकली है, पुलिस का काफिला इनके साथ है और इस चौक में लोगों के से बातचीत करने के लिए मैं भी खड़ा हो गया। लोगों को पूछा भाई कारण क्या है, हमारे कुछ लोगों ने जो घर बनाए हैं, दुकानें बनाई हैं, लेंटर पड़े हैं, आज जो जेडीए के तहसीलदार साहब हैं और अपनी टीम लेकर ये लोग निकले हैं और जो हमारे बिलाबजा जिम्मेदार लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, जिन्होंने एक एक दुकान बनाई है, जहाँ एक कमरा बनाया है, उनकी फोटोग्राफी की जा रही है, उनको हरासमेंट किया जा रहा है, उनको सीज किया जा रहा है। मैंने तहसीलदार साहब से ये निवेदन किया है कि तहसीलदार साहब जब जो ये लोग काम शुरू करते हैं, प्लेंथ निकालते हैं, नींद निकालते हैं, उस टाइम आपका डिपार्टमेंट इन लोगों को क्यों नहीं रोकता। उसी टाइम जो हमारे रायपुर दुमाना विधानसभा क्षेत्र के किसान हैं, गरीब लोग हैं, पढ़े लिखे कम हैं, इनको समझाना चाहिए, गाइड करना चाहिए भाई, इसकी प्रॉपर चैनल जे परमिशन बनानी चाहिए, इसकी जे फॉर्मेलिटी है, फिर वो लोग करते हैं, अगर नहीं करें तो फिर वो गुनाहगार हैं। सर लोगों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि लोगों की तरफ से सवाल उठा रहा हूं तहसीलदार साहब, जब लैंडर जल जाता है, घर कंप्लीट हो जाता है, उस टाइम आपकी टीम विजिट करती है, पहले क्यों नहीं रोका जाता। और एलजी साहब से मैं निवेदन करूंगा, जिस एरिया के अंदर चाहे वो जम्मू मुल्सर कॉर्पोरेशन का एरिया है, चाहे कोई जेडीए का एरिया है, एलजी साहब उस तहसीलदार के ऊपर, उस अफीसर के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, उन लोगों को टर्मिनेट करना चाहिए, नौकरी से बाहर निकलना चाहिए जो इस काले धंधे में लिप्त हैं। लोग घर बना देते हैं, मकान बना देते हैं, फिर उनको हरासमेंट किया जाता है, परेशान किया जाता है। मैं महोदय एलजी साहब आपसे निवेदन करता हूं, गरीब और मजदूर किसान लोग आगे ही कुदरत की मार झेल रहे हैं, परेशान हैं, और इस टाइम भी अभी बारिश की वजह से किसानों की फसलें जो है वो नष्ट हुई हैं, बुरी तरीके से लोग हमारे गरीब मजदूर लोग जो हैं वो परेशान हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जो भी अधिकारी जिस एरिया के अंदर इंक्रोचमेंट में इन्वॉल्व होता है, इंक्रोचमेंट जिस अफीसर की एरिया के अंदर होती है, उस ऑफिसर के ऊपर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, उसको नौकरी से बाहर निकालना चाहिए, जितना भी रजाना है उस टीम से लेना चाहिए, उस ऑफिसर से लेना चाहिए, ताकि दोबारा उस एरिया के अंदर किसी गरीब और मजदूर को, किसी किसान को तंग ना दिए जाए। सर लोगों की तरफ से कहा जाता है कि एजेंट तैयार किए जाते हैं, जब परमिशन की बात की जाती है पैसे लेके चले जाते हैं, लेकिन कहा जाता है उनकी तरफ से कि आप काम लगाइए, जब कम्प्लीट हो जाता है भी इंक्रोचमेंट हो रही है। मैं सीधा सीधा ये कहना चाहता हूँ कि ये कंसर्निंग डिपार्टमेंट के जो इंस्पेक्टर हैं, जो कंसर्निंग एरिया के तहसीलदार हैं, ऑफिसर लगाए हैं, इनकी मिली भगत से जो इंक्रोचमेंट हो रही है। मैं मोदी जी साहब आपसे निवेदन करता हूं और एक सख्ती से अभियान चलाएं, इन लोगों के ऊपर तुरंत कार्रवाई करें, ताकि दोबारा जिंदगी में किसी गरीब और मजदूर के साथ धोखा ना हो।